व्हाट्सएप में शुभश्री भट्टाचार्य और शुभ टेक। दोस्तों आज आपको और एक योग के बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इससे क्या होगा, मैं जो भी अपडेट करूँ फ्री नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना दोस्तों, बिल्कुल फ्री। चलिए दोस्तों तो पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले योग का नाम है दोस्तों पापकत्ल योग। ये योग अच्छे योग में से नहीं होता दोस्तों, बुरे योग में से होता है दोस्तों। इस योग के होने से लाइफ में जिस भी भाव में ये योग घटित होता है दोस्तों, उस भाव से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। सपोज सो आपके फिफ्थ हाउस में हो तो बच्चे रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है दोस्तों। टेंथ हाउस में हो तो कर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा दोस्तों। सेवन हाउस में हो तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, बिजनेस पार्टनर में प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ये योग कौन कौन से प्लैनेट बनाता है आपके मन में विचार आया है दोस्तों। सबसे पहले सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये पाप करते योग बनाते हैं दोस्तों कुंडली में। तो यहाँ पर देखने को क्या क्या चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जिस भाव में पाप करते योग बनना चाहिए उसके आगे सूर्य, मंगल, राहु, केतु बैठ जाए, या फिर उसके साथ साथ उसके पिछले घर में सूर्य, मंगल, राहु, केतु बैठ जाए, तब यही योग होता है। यहाँ पर देख लीजिए जैसे इलेवन हाउस पे दोस्तों यहाँ पर राहु देव बैठे हैं दोस्तों, और यहाँ पर नाइन हाउस पे दोस्तों शनिदेव बैठे हैं। हम सबको पता है दोस्तों राहु देव हमसे बकरी चलते हैं, मतलब पीछे आएगा, मतलब आगे जो प्लैनेट बचा है वो अगर पीछे आ रहा है बकरी हो रहा है, और पीछे जो प्लैनेट बैठा है दोस्तों यहाँ पर नाइन हाउस पे अगर शनिदेव मर्गी हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये पाप करते का योग का परिमाण बढ़ने लगेगा, मतलब क्या दोस्तों, तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में, अपने कर्म स्थान में। यहाँ पर किसी के सहायता का किसी के हेल्प नहीं मिलेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम पर अपने फेस करने को मिलेगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा अपने बिजनेस लाइफ के लिए, अपने कर्म स्थान के ऊपर दोस्तों। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है, अगर यहाँ पर राहुदेव बकरी हो रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर शनिदेव भी बकरी हो रहा है, मतलब पीछे आ रहे, तो योग का परिमाण कमने लगेगा दोस्तों। अगर दो नहीं है, एक बकरी है एक बकरी नहीं है, तो ये योग का परिमाण कमने लगेगा, मतलब आगे वाला आगे बकरी है और पीछे वाला मर्गी है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा दोस्तों। दूसरा पैरामीटर, यहाँ पर जिस भाव में ये बन रहा है दोस्तों, अगर भाव बलि बहुत ज़्यादा बलि है तो यहाँ पर ये योग का कोई भी फल नहीं होगा दोस्तों। ये कोई भी संघर्ष हो लाइफ में व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, मतलब सपोज किसी यहाँ मिथुन लगे उनकी कुंडली है तो यहाँ पर 12 नंबर बढ़ेगा दोस्तों, और 12 नंबर पर आपके शुक्रदेव पूछ के होते हैं, इसके कारण इस व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लाइफ में, जो भी आएगा दोस्तों आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। और ये योग अमला योग में से एक होगा दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मिथुन लगे कुंडली है तो यहाँ पर योग कारक शनिदेव बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 नंबर आएगा, 11 नंबर पर शनिदेव सरअशिक हो जाते, अपने मूल त्रिकोण साइन में आ जाते, इसका कारण से दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। मिथुन लगे की कुंडली अगर यहाँ पर दोस्तों सूर्यदेव बैठे, यहाँ पर मंगलदेव बैठे, तो यहाँ पर दोस्तों भी सेम यहाँ पर योग बनना है दोस्तों पाप करते योग में से। अगर यहाँ पर दोस्तों कि लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्यों दोस्तों, अगर मंगलदेव यहाँ पर बकरी हो जाए और सूर्यदेव दोस्तों बकरी मरगी कुछ नहीं हो तो सीधे चलते हैं दोस्तों, तो योग का मध्यम परिमाण होगा दोस्तों। लेकिन आगे वाला अगर बकरी हो जाए, पीछे वाला मरगी हो जाए, तो यहाँ पर काची की तरह, कतरी मतलब काची काटना जैसा, यहाँ पर उस भाव को हानि पहुँचाने के काम करेगा दोस्तों। इसी तरह दोस्तों शुभकत्री योग भी होता है दोस्तों, मतलब सपोज कीजिए दोस्तों एक कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष से चंद्रमा है दोस्तों, शुक्ल पक्ष से चंद्रमा शुभ प्लैनेट से पकड़ा जाता है, कृष्ण पक्ष चंद्र को बुरे कहा जाता है, और यहाँ पर दोस्तों जुपिटर बैठा हो दोस्तों, तो ये भाव में टेन हाउस पे बनना है दोस्तों। तो इस कारण दोस्तों इस व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ होगा, जो कर्म स्थान होगा दोस्तों, इस व्यक्ति को लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे अपने गुरु से सहायता मिले, चाहे अपनी माँ से सहायता मिले, चाहे स्त्री से सहायता, कोई लड़की से सहायता मिले, इस लाइफ में इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगा, एक व्यक्ति बहुत आगे जाएगा दोस्तों। क्यों, यहाँ पर शुभकत्री योग बन रहा है दोस्तों, पाप योग में लोगों को प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, शुभकत्री योग में लोगों को हेल्प मिलता है दोस्तों। आपको यहाँ पर क्या देखना दोस्तों, अगर जहाँ पर भी योग बन रहा है जहाँ पर भी, तो अगर वो प्लैनेट बली तो उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर प्लैनेट बली नहीं है तो व्यक्ति को प्रॉब्लम सहायता करने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी पूजा भी होती है, इसके बहुत सारे उपाय भी होते हैं दोस्तों, आप लोग करवा सकते हैं अच्छे ज्योतिष के पास जाके, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर ये योग बन रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों।
दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।